गुड आफ्टरनून एवरी वन इट इज एग्जैक्ट ट्वेल्व ओ क्लॉक एंड वील स्टार्ट अगेन विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स टी हम ऑलरेडी तीन टॉपिक्स uh, कवर कर चुके हैं जहां हमने स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीआर टी को टॉकिंग अबाउट वाई डू यू नीड टू टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग से पढ़नी पड़ती है वाई अ सेपरेट ब्रांच फ्रॉम फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही काम नहीं चलता था क्यों ऐसा होता है कि जो डिसीजन जो डिसीजन इंडिविजुअल uh, लेवल पे होते हैं वो जरूरी नहीं है वही चीज सही साबित हो व्हेन वी टॉक अबाउट एट दी मैक्रो लेवल और दी एग्रीगेट लेवल उसके बाद हमने बहुत सारे concepts, छोटे से लेके बड़े पढ़े नेशनल इनकम में वी अबाउट व्हाट इज जीडीपी द सबसेट्स दबसेट ऑफ जी वी पी अबाउट किस तरीके से जी को कैलकुलेट करते हैं ठीक है प्रीवियस सेशन जो हमारे हमने कल सेशन लिया था बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें एक्टिव थे उसमें हमने बात करी थी मनी एंड बैंकिंग के बारे में कि मनी होता क्या है मनी नहीं था तो उससे पहले किस तरीके से काम चलाया जाता था इकोनॉमी में ठीक है मनी इवॉल्व होने के बाद क्या उसके फंक्शंस थे मनी की डेफिनेशन क्या होती है फीएट मनी क्या होता है लीगल टेंडर क्या होता है फिर हमने बात करी किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है मनी सप्लाई को डिमांड क्या है किस पर्पज से डिमांड किया जाता है मनी एंड देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट वट इज दी सप्लाई वाई हाउ डू वी रेगुलेट दी सप्लाई ऑफ मनी वहीं पे हमने बात करी थी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी की याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कल यही सब पढ़ा था या बिल्कुल सेशन खत्म होने के बाद ऑल क्लियर हो गया था कि मैम कौन सी बात कर रहे हो आप क्या कहा की बात कर रहे हो भाई कल के सेशन की बात कर रही हूँ जहां पे हमने मनी बैंकिंग के बारे में बात करी थी साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो मनी बैंकिंग ऑनवर्ड जो हमारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मनी बैंकिंग इट सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए तीन से चार क्वेश्चन दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आरबीआई पे फिक्स्ड है हर साल एंड हैंगिंग फ्रूट्स जो आपके सही जाने ही चाहिए क्योंकि बहुत ईजी होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते अगर उनमें गलती कर रहे हो ना आप स्टूडेंट्स अगर वहां गलती कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कट ऑफ क्लियर करना सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो चार क्वेश्चन हमारे मनी बैंकिंग पोर्शन से आ रहे हैं वो बिल्कुल सही जाए उन क्वेश्चंस को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा और बस वही कोशिश कर रहे हैं एन में कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम सॉलिड हो जाए फुल प्रूफ हो जाए ताकि जब हम फाउंडेशन बैच में चीजें पढ़ेंगे ना तो वहां पे हमें प्रॉब्लम ना आए तो बात करें अमन हरीश प्रीति मोलेश अक्षत गुड आफ्टरनून एवरी वन एनसीएल अगर आप अक्षत पूछ रहे हैं तो वो होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट बट राइट नाउ अगेन वो एनसीआरटी का पोर्शन नहीं अगर मैं डिविएट करी एनसीआरटी से तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड दैट इज वाई फाउंडेशन प्रोग्राम इज डिजाइंड ठीक है फाउंडेशन प्रोग्राम हमें इसलिए ही लेते हैं ताकि ये जो छोटे छोटे बहुत सारे और चीजें हैं हमें पढ़नी पड़ती है एग्जाम परस्पेक्टिव से वो सारी बाहर कवर होती है राइट नाउ द एजेंडा इज वी हैव टू स्टिक टू वॉट आर एनसीआर से एनसीआर कवर हो जाए आधा पेन वहीं पे अपना आधी टेंशन वहीं रिलीव हो जाती है नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद विदीआर अगेन 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 लाइफ फाउंडेशन बैच अक्षत ये जितने भी आपके डाउट्स हैं कल एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मैम फटे हुए नोट्स का क्या करना होता है आज अक्षत पूछ रहे एम सी क्या होता है ये सारी चीजें आपको इन डेप्थ पढ़ाई जाएंगी कहाँ पे हमारे लाइफ फाउंडेशन प्रोग्राम में वेर आय बी टेकिंग care of the economy i'll be taking all of these sections all of these segments all of these pillars of economy <coughs> under the life foundation program jo naya batch launch ho raha hai 11th july ko 11th july ko naya batch start ho raha hai zyada din nahi reh gaye 11th batch को सुबह 8 बजे से आपकी क्लासें चालू हो जाएंगी तीन ढाई से तीन घंटे की class होगी वहां ये सारे आप डाउट पूछ सकते हैं नान की लाइव यूज़ करिए। थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन ओनली नाउ टॉकिंग अबाउट आज हम क्या बात करेंगे कल हमने मनी बैंकिंग की बात करी है ना <clears throat> आज हम किस बारे में बात करेंगे वील टॉक अबाउट

वॉट विल टॉक अबाउट दजटिंग गवर्नमेंट अपना बजट किस तरीके से बनाती है उसकी फिजिकल पॉलिसी क्या होती क्या है उसके uh, 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 yes, uh, so we'll <coughs> तो कॉम्पोन तो क्या होते हैं गुड आफ्टरनून शुभम गुड आफ्टरनून बैरिया मोलेशस गुड आफ्टरनून बलजीत सो ऑल ऑफ दिस विल बी टॉकिंग अबाउट तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स वही चीज जिसको आप बजट बोल रहे हैं क्यों यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा है मैंने क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान है वहां पे बजट वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है वहां पे क्या टर्म यूज होती है पॉलिटी पढ़ रहे होंगे है सपोज आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे एन पढ़ रहे होंगे तो वहां आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि कहीं पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहां पे नो वेयर द वर्ड बजट इज यूज उसकी जगह क्या यूज होता है अंडर आर्टिकल में व्हाट इज द वर्ड दैट इज यूज और वॉट इज द टर्म दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ बजट कैन एनी वन टेल मी बताइए चलिए मुदित वेरी गुड गुड आफ्टरनून आप आज भी आए हैं सेशन में बहुत अच्छी बात है बताइए वॉट डू वी कॉल बजट हाउ इज द बजट इन मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको जरूर पता होगा <clears throat>

अभी बात करेंगे क्या होता है बजट क्यों बनाना पड़ता है बजट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज मैंडेटरी टू ले दी बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ ले करना होगा हर साल पार्लियामेंट में बस बाकी सारा पार्ट पॉलिटी का है पॉलिटी वाला पार्ट आपको शशांक सर बताएंगे डिटेल में कि कैसे बजट ले करना होता है क्या प्रोसेस होता है किस तरीके से बजट फॉर्मुलेट होता है हमें कौन सी साइड बात करनी है बजट की हमें उसकी इकोनॉमिक इकोनोमी साइड देखनी है ठीक है यस चलिए सो so, सबसे सबसे पहला question, सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आई टू आस्क ऑल ऑफ यू इज हमें बजट प्रिपेयर क्यों करना पड़ता है अगर आपने मेरे सेशंस देखे हैं अगर आपने मैराथॉन्स अटेंड करी है स्पेशली आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक आपने मैराथन अटेंड करी है देन यू यू वुड बी इन अ पोजिशन टू टेल कि हमें बजट क्यों बनाना पड़ता है क्या कोई मुझे बता पाएगा मुदत आप थे मेरे सेशन में एनसीआरटी वाले में माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले में शबीर वॉज देयर आई सपोज क्यों बनाना पड़ता है बजट क्यों करनी पड़ती है हमें बजटिंग हेलो माय क्वेश्चन टू टू एवरीवन इज व्हाई डू वी नीड क्रिएट बजट बजट क्यों बनाना पड़ता है बजट होता क्या है बजट इज इज वेयर प्लानिंग डन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कि किस तरीके से हम क्या खर्च करेंगे क्या हमारे रेवेन्यू के रिसोर्सेज है बट माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज कि हमें बजटिंग करनी ही क्यों पड़ती है क्यों करनी पड़ रही है हमें बजट अमन uh, बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं अभी तो बात करी थी बेटा वन वन टू आर्टिकल है जहां पे बजट वर्ड नहीं लिखा गया है वहां पे वो वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है हरी सेज हिसाब किताब फॉर बेटर इकोनॉमिक प्लानिंग आयु सेज बैलेंस वो बैलेंस ऑफ वॉट ये नवजोत कौर It is to अभी भी थोड़ा और डिग करिए सही रास्ता पकड़ लिया है, से ही करने के लिए। बनाना पड़ रहा है आप लोग बातें कर रहे हो सारी पेरेफरी वाली कोर रीजन क्या है रीजन क्या है कि क्यों बजटिंग करनी पड़ रही है ये तो सारी चीजें उसका एक्चुअली यूजेज ऑफ बजट हो गई कि अच्छा उससे हिसाब किताब मेंटेन हो जाएगा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हो जाएगा अभी भी आप कोर पे नहीं पहुंच पा रहे वाई डू वी नीड क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि हमें बजटिंग करनी पड़ गई हिसाब किताब रखने के लिए नहीं हिसाब किताब रखने के लिए तो हम कुछ और भी कर सकते थे वाई डू वी नीड टू क्रिएट बजट द आंसर लाइज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक दैट द रिसोर्सेज दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड है वॉन्ट जो हैं वो क्या हैं

कराने हैं डोमिनोज का पिज्जा भी खाना है पीजी का रेंट भी देना है और जो हमारे थोड़े बहुत और भी शौक होते हैं सबके अपने अपने शौक होते हैं अब वो क्या होते हैं वो मैं नहीं बात करूंगी क्योंकि वो सब्जेक्ट हैं सारे ठीक है मेरे कुछ और शौक है आपके कुछ और शौक है राइट तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है मेरी सैलरी भी लिमिटेड है आपकी पॉकेट मनी भी लिमिटेड है लेकिन जो हमारी वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है हर फ्राइडे मूवी देखनी है मुझे तो हर सैटरडे रेस्टोरेंट भी जाना है मुझे रेंट भी देना है कुछ पैसे मम्मी ले लेती है मुझसे ठीक है तो क्या हो रहा है टू मैनेज इट प्रॉपरली टू मैनेज वॉट माई रिसोर्सेज आर एंड टू मैनेज वॉट माई अनलिमिटेड नीड्स आर आई नीड टू प्रिपेयर बजट कि मेरी पांच हजार अगर पॉकेट मनी है पांच हजार मेरी अगर पॉकेट मनी है तो उसमें से पांच सौ तो मैंने मूवी के टिकट के निकाल दिए उसके बाद आप मान लो ढाई सौ तीन सौ रुपए हो गए मेरे स्टेशनरी का खर्चा ठीक है उसके बाद पीजी का रेंट आ गया मेस की फीस आ गई ये क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे हाथ में जो पापा पॉकेट मनी डाल रहे हैं ना वो सिर्फ इतनी सी है सो इज विद दी गवर्नमेंट

even if we talk about the government also even if we talk about the government also resources jo hain wo kam hai whereas jo unki wants hain whereas the avenues jo hain unke jahan pe unko spend karna hai that is unlimited itni badi desh itna bada desh chalana hai subsidized health services bhi deni hai lpg pe subsidy bhi deni hai right आया समझ अब चीजें कुछ clear हुई तो सबसे पहले आपको basic चीज समझ होनी चाहिए कि हम budget बना क्यों रहे हैं सारी दुविधा ही सारी दिक्कत ही इस प्रॉब्लम के पास है ठीक है ये चीज समझ आई अब बजट बनाने से क्या चीजें हल होंगी क्या ऑब्जेक्टिव है क्या चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा अगर हम बजट बनाएंगे तो उससे क्या वट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी बजट जब भी हम बजट बनाते हैं जब भी हम बजट बना रहे यहाँ बजट बनाया था ना पांच हजार की पॉकेट मनी का हमने क्यों बनाया था क्योंकि हमें जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हम चाहते हैं उसका मैक्सिमम बेस्ट यूटिलाइजेशन हो मैं 5000 हजार या दस हजार जो भी आपकी पॉकेट मनी है वो आपको ज्यादा अच्छा पता होगा जो भी आपकी पॉकेट मनी है उसका मैं बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूं कि मेरी जितनी भी डिज़ायर्स हैं मतलब मैक्सिमम सारी तो फुलफिल नहीं हो सकती दस पंद्रह में या पांच में या वॉट हजार में राइट right? तो मैक्सिमम अपनी नीड्स को सैटिस्फाई कर लू मतलब मैक्सिमम रिसोर्स एफिशिएंसी अचीव कर लू दैट इज व्हाट इज प्लान जैसे क्रेडिट का मैसेज आता है दैट फिफ्टीन थाउजेंड प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है दिमाग में राइट सो वॉट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दी बजट हम क्या करना चाह रहे हैं जब हम बजट बनाते हैं तो <coughs> अब हम अपने आप को रिप्लेस करके गवर्नमेंट के शूज में आ जाएंगे वॉट इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू वेन दे आर प्रिपेयरिंग दी बजट व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव दैट दे आर लुकिंग फॉर वेन दे आर प्रिपेयरिंग दी बजट चीजें समझ आ रही है ठीक है अमन इज सेइंग की बजट हमेशा फ्लक्चुएट करता है ये क्योंकि रिसोर्सेज फ्लक्चुएट करते हैं जरूरी नहीं है जो रिसोर्स आपके पास 2020 में थे उतने ही रिसोर्सेज 2021 में हो, हो सकता है गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी बढ़ जाए 21 में 2022 में उससे भी ज्यादा रिसोर्सेज आ जाए तो गवर्नमेंट भाई आपकी भी तो पॉकेट मनी हो सकता है कि बढ़ती होगी बढ़ती होगी या घटती होगी तो उस हिसाब से प्लानिंग करोगे तो यस बजट ऑलवेज फ्लक्चुएट बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोज फ्लक्चुएट अभी हमारी कंट्री में क्या क्राइसिस चल रहे? क्राइस चल कोल कोल क्राइसिस क्राइसिस रहे हैं क्राइस की वजह से क्या हो रहा है पावर क्राइसिस हो रहे हैं क्या हो रहे हैं फ्लक्चुएट कर रहे हैं जरूरी नहीं है रिसोर्सिस हर टाइम हमेशा सेम अवेलेबिलिटी हो राइट right? अंदाज थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने चलिए अब पढ़ने पे ध्यान लगाइए पढ़ने पे ध्यान लगाइए कैसे लगाएंगे नोट्स बनाएंगे

एक्चुअली आए कंक्लूड कि आप लोग नहीं बना रहे जो मर्जी बोल लो आपने करना तो वही है जो आपकी इच्छा है चलिए कोई बात नहीं ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट क्या है सो फर्स्ट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस बेस्ट एलोकेशन भाई किस तरीके से एलोकेट होंगे रिसोर्सेज कितने रिसोर्सेस पब्लिक गुड्स बनाने में जाएंगे कितने रिसोर्सेस प्राइवेट गुड्स बनाने में जाएंगे आपकी एनसीआरटी में लिखा हुआ है ऐसे जब आप पढ़ोगे तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं हमने कहाँ पढ़ा था पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि पब्लिक गुड्स वो होते हैं दैट डज नॉट हैव नॉन राइवलरी उनमें राइवलरी नहीं होती अगर आप रोड यूज कर रहे हो तो दैट डज मीन कि रोड की अवेलेबिलिटी विल बी लिमिटेड फॉर दी अदर पर्सन हु वांट्स टू यूज वेर एज इफ अगर प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं मान लीजिए मैंने ये शर्ट पहन ली ठीक है इफ आई एम ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट ठीक है, लिमिट दी अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सीट फॉर दी अदर पर्सन याद आया पब्लिक प्राइवेट गुड पढ़ा था हमने सो so किस तरीके से एलोकेशन करना है रिसोर्सेस का सो दैट मैक्सिमम एफिशियंसी इज अचीव मैक्सिमम बेनिफिट हो सके मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर हो सके राइट right? with विद स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज होते हैं जहां पे प्राइवेट सेक्टर डज नॉट want टू एंटर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मैक्सिमम एम क्या होता है कैपिटल वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भाई कोई भी प्राइवेट सेक्टर होता है उसका एम क्या होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेरा गवर्नमेंट का एम क्या होता है इट इज दी मैक्सिमम ऑफ पब्लिक वेलफेयर मैक्सिमम ऑफ पब्लिक वेलफेयर सो व्हाई वुड प्राइवेट सेक्टर क्रिएट सच रिसोर्सेज विच इज फ्रीली अवेलेबल फॉर पब्लिक तो उन एरियाज में उन डोमेन्स में किसको जाना होता है वहां पे दैट इज वेयर द गवर्नमेंट एंटर्स वहां वो जाके बनाती है रोड्स वहां जाके वो बनाती है डैम्स वहां जाके वो लेआउट करती है रेलवे लाइन्स वाई बिकॉज प्राइवेट सेक्टर विल नॉट एंटर प्राइवेट सेक्टर वुड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज ओवर देयर क्यों क्योंकि दे विल नॉट गेट एनी रिटर्न आउट ऑफ देयर क्योंकि सच गुड्स आर फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरी वन और प्राइवेट सेक्टर कौन सा गुड बनाना चाहेगा जिसके लिए उसको क्या मिले पैसा मिले जिसके लिए उसको क्या मिले उसको प्रॉफिट मिले आदित्य व्हाट दी टॉपिक टुडे आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ रहे हैं उसमें हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ रहे हैं बेटा जब वीडियो स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में ही लिखा था तभी कहती हूँ कि स्टार्ट से ही आ जाया करो बारह बजे आ जाया करो इसलिए टेलीग्राम चैनल पे पहले ही डाल देती हूँ मैं नोटिफिकेशन की भाई अच्छे से नाश्ता करके बैठ जाना कॉपी किताब पेन लेके ये नहीं की बीच में आके मुझसे पूछ रहे हो मैम क्या पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे कि पॉलिटिक पढ़ रहे ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए इफ यू आर अ यूपीएससी एसपेरेंट यू शुड बी वेरी सीरियस एस टू व्हाट यू आर स्टार्टिंग एस टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट बल्कि तीन के तीन पेजेस आपको खुद से पढ़ के आने चाहिए कि मैम ये ये मैं पढ़ के बैठी हुई हूं या मैं पढ़ के बैठा हुआ हूं आप मेरे डाउट्स एड्रेस करो एनसीईआरटी में मुझे ये समझ नहीं आ रहा दैट शुड बी योर एटीट्यूड ना कि आप मुझे बीच में आके बात कर रहे हो कि मैम क्या पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सी किताब पढ़ रहे हैं ये एटीट्यूड से यूपीएससी क्लियर नहीं होगा चलिए एनीवे सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स

पैकेज सेम लगता है क्या नहीं लगता ना शर्मा जी के बेटे का ज्यादा पैकेज लग जाता है तभी मम्मी टॉन मारती है देखो उसका तो इतना पैकेज लग गया तेरा तो पैकेज लगा ही नहीं दोनों सेम कॉलेज से पढ़े हो। सो so, क्या है डिस्पैरिटी है इनकम सेम नहीं है तो so, गवर्नमेंट का रोल क्या आ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कि भाई जो ज्यादा कमा रहे हैं वो टैक्स भी ज्यादा पे करो वो टैक्स ज्यादा पे करेंगे तो गवर्नमेंट उससे क्या देगी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी किसको सब्सिडी डी देगी पुअरेस्ट ऑफ पुअर को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है गरीबी रेखा के नीचे राइट क्योंकि वी हैव हाँ टू तो रिड्यूस दी इनक्वालिटीज वी हैव हाँ टू तो रिड्यूस दी रीजनल डिस्पैरिटीज कुछ एरियाज ऑफ कंट्री विच आर लेस डेवलप्ड हमें उनका भी उत्थान करना है ट्राइबल सोसाइटीज है They are still lacking behind. They do not have access to education. They do not have access to what health services because they cannot afford that. So how does government redistribute income with the help of budget? आइये देख लेते हैं। Government क्या collect करती है हमसे? Government कल, collect करती है taxes. ठीक है? आजकल तो हर चीज़ पे tax देना पड़ता है। GST देते हो कि नहीं देते हो? पिज्जा खाते हो? स्विगी करते हो, Zomato करते हो? साथ में क्या जुड़ के आता है? जीएसटी जुड़ so, government government so, के आता है सो गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट गुइंग दी टैक्सेस विद दी हेल्प ऑफ टैक्सेस वॉट इज गवर्नमेंट डूंग गोवाइडिंग सब्सिडी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी सो एक्चुअली इफ यू सी बैकड्रॉप में गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट इज एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द इनकम एक पोर्शन ऑफ इनकम आपसे लेके इट इज प्रोवाइडिंग दैट इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू दी वीकर सेक्शन ऑफ दोसाइटी वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी और टू दी मार्जिनलाइज सेक्टर लाइक फार्मर्स उनको दे रहे हैं उनको हेल्प करती है गवर्नमेंट आपको एलपीजी पे सब्सिडी मिलती है वॉट इज गवर्नमेंट डूइंग इट इज ट्राइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट इट्स इट रिसोर्सेज और गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ रिसोर्स कब तक नहीं कर पाएगी जब तक वो बजट नहीं बनाएगी जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि मेरे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है हाउ विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट दैट रिसोर्सेज टू टू दी दी और पीपल इन दी कंट्री सो फॉर दैट वॉट दे डू नीड टू डू इज दे नीड टू प्रिपेयर दी बजट एंड लास्ट इज एक और ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट विशेष टू अचीव इज दी देशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक एजेंट है गवर्नमेंट ठीक है स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या हो गया फ्लक्चुएशन आते हैं इकोनमी में क्या फ्लक्चुएशन आते हैं कैन एनी वन टेल मी वट आर दी फ्लक्चुएशन विद विच इकॉनमी गोज थ्रू अभी फ्लक्चुएशन का ही दौर चल रहा है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो सुबह प्रशांत तिवारी सर एनालिसिस कराते हैं न्यूज़पेपर का आई डू नॉट नो कितने लोग आप लोग अटेंटिव रहते हैं कि नहीं रहते सो व्हाट आर दी फ्लक्चुएशंस फॉरगेट अबाउट द स्टेटमेंट टेल मी व्हाट आर दी फ्लक्चुएशंस विद व्हिच इकॉनमी इज गोइंग थ्रू डिमांड नीचे गई हुई है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो ही नहीं रहा है क्रूड ऑयल ने प्रोडक्शन नैचुरल गैस का प्राइस बढ़ रहा है क्यों यूक्रेन रशिया क्राइसिस हो रहे ठीक है थीके? सबसे पहली बात वेल तो इकॉनमी की बात करते चलिए इनफ्लेशन वेरी गुड और क्या चीजें हो रही है बहुत बढ़िया बताते जाओ क्या चीजें हो रही है इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और बताओ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और क्या प्रॉब्लम हो रखी है डिमांड नहीं है इकोनॉमी में डिमांड जो है बिल्कुल नीचे है. और बताओ अरे इन्फ्लेशन झेलना पड़ रहा है आगे बढ़ो इससे इन्फ्लेशन के पीछे ही पड़ गए हो और बताओ चलो व्हाट अबाउट अदर थिंग्स और क्या चीजें हो रही हैं सोचो स्टूडेंट्स कुछ दिमाग पे जोर लगाओ यहां सोच लोगे तो उतना कम सोचना पड़ेगा पावर्टी ये तो खैर शुरू से थी और बताइए वॉट आर दी रिसेंट फ्लक्चुएशन विद विच द इकॉनमी इज गोइंग थ्रू टेल मी मोर अंदाज वॉट कंजम्प्शन कंजम्पशन तो हमेशा रहता है इकोनॉमी में इज इट अ फ्लक्चुएशन इज अ गुड थिंग पीपल नीड टू कंज्यूम थिंग्स इन ऑर्डर फॉर इकोनॉमी टू ग्रो टेल मी मोर टेल मी मोर फटाफट बताइए मुझे सप्लाई वॉट सप्लाई वॉट सप्लाई क्या हो रहे हैं सप्लाई कंस्ट्रेन हो रहे हैं सप्लाई साइड शॉक्स है हमारे इकोनॉमी में है क्या नहीं है इंटरेस्ट रेट वेरी गुड मनहरन स्टैगफ्लेशन हो रहा है कहीं ना कहीं देर इज अ रिस्क दैट इंडिया इज मूविंग टूवर्ड स्टैग अब आप आधे लोग पूछोगे मैम व्हाट इज टैग फ्लेशन कंसेप्टोनॉमिक्स प्ले लिस्ट स्टैग सर्च एंड देर यूल फाइंड माई वीडियो एज टू व्हाट इज फ्लेशन चलिए सो दीज आर दी ब्रॉडर थिंग्स विच इज विद इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू सो so, गवर्नमेंट का रोल क्या आता है इन चीजों को करेक्ट करना गवर् अपने आप इकॉनमी करेक्ट नहीं हो पाएगी किसने बोली थी ये बात एडम स्मिथ ने बोला था अपना अपना सोचो सबका भला हो जाएगा इकॉनमी का भला हो जाएगा वी डू नॉट वांट गवर्नमेंट ओवर देयर फिर आया था डिप्रेशन आ रहा है याद आ रहा है याद ये चीजें पढ़ी थी ना हमने ठीक है तो उसके बाद कौन उसके बाद आया डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन ऑफ नाइनटीन चीजें ठीक नहीं हुई चीजें ठीक नहीं हुई इसके बाद क्या है हमारे कीन्स साहब आए और उन्होंने क्या बोला वॉट डिड ही से दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन टू करेक्ट द दी टू स्टेबलाइज बिकॉज द माइ माइट नॉट है पावर टू करेक्ट इट सेल्फ ये सारी बातें करी थी ना ये yes, अंदाज आस, uh, who else is there? बस सिर्फ एक बच्चे को पता है क्या सिर्फ एक बच्चे को पता है कि हमने एडम स्मिथ और कीन्स की बात करी थी अबाउट दी अदर्स अबाउट दी अदर्स नवजोत एक्सपोर्ट्स आर डिक्लाइन भाई एक्सपोर्ट टारगेट अचीव किया था बेटा तो इस बार 400 बिलियन क्रॉस कर दिए थे कैलेबर इन द्व सेक्टर चलिए एनी वे so, क्या बोले थे कीन्स भाई साहब कीन्स ने बोला था दैट द गवर्नमेंट वुड नीड टू इंटरवीन टू करेक्ट द इकोनॉमी एंड टू गेट एड ऑन इट्स पाथ सो दैट इज वॉट इज द फंशक्शन ऑफ द डिमांड कम हो रही है इकोनॉमी में गवर्नमेंट तो क्या होगा फैक्ट्रीज चली एक फ्लो चार्ट को तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी डिमांड नीचे वाई इज इट बॉदरिंग अस वाई इज इट गवर्नमेंट बिकॉज इफ डिमांड इज फॉलन देर वुड बी नो कंजम्शन देर वुड बी नो कंजम्पन ऑफ गुड्स एंड सर्विस

राइट right? रिसेशन so बीच में क्या आ जाएगा रिसेशन वेर देर इज नो डिमांड इन द इकोनोमी अनुप्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग सो दैट इज वाई इट बॉदर्स दी गवर्नमेंट दैट इज वाई दे हैव टू इंटरवीन एंड पैसिफाई की भाई डिमांड ठीक करनी पड़ेगी और ये चीजें गवर्नमेंट कब कर पाएगी जब गवर्नमेंट को ये पता होगा कि मेरी जो पॉकेट में नहीं है वो इतनी है किसकी मेरी और आपकी नहीं उनको उससे मतलब नहीं है गवर्नमेंट की पॉकेट मनी कितनी है गवर्नमेंट के खाते में कितने पैसे आ रहे हैं सो दैट दे कोई कंटीजेंसी <coughs> अराइज हो जाती है सो दे हैव इन देयर पूल सो दैट दे कैन स्पेंड ऑन करेक्टिंग और स्टेबलाइजिंग द इकोनोमी आ विद दिस आ विद दिस यस अंदाज कश्यप आदिति मेक दिस फ्लो चार्ट ये जो चार्ट है इसको बनाओ दैट इज हाउ वॉट यू हैव टू राइड इन द मेन आंसर मेन आंसर में जरूरी नहीं होता एक एक वर्ड को लंबा लंबा करके लिखना है लाइन्स को इफ यू टेल और इफ यू कुपिक दिंग्स विद हेल्प ऑफ दीज फ्लो चार्ट

वॉट इज 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 दीडियो बफरिंग और वॉट चलिए ये देखिए एक और स्टूडेंट आए हैं जो क्या आप पढ़ा रही हो बहुत बढ़िया बेटा कुछ नहीं पढ़ा रही यहाँ पे तो अभी आप आराम से मजे करिए देखते जाइए कि अपने आप समझ आ जाएगा चलो ऑब्जेक्टिव समझ आ गए अब करें डीप डाइव हमने समझ लिया कि हमें बजट क्यों बनाना पड़ता है वी नाउ अंडरस्टैंड वॉट इज द लॉजिक नाउ वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दी ऑब्जेक्टिव वॉट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू अचीव वेन वी आर मेकिंग दी बजट ठीक है चलिए गवर्नमेंट बजट के पार्ट्स पढ़े डीप डाइव करें चीजों को समझे थोड़ा डिटेल में आइए चलो गवर्नमेंट बजट है ठीक है गवर्नमेंट बजट कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट एक तो होता है रेवेन्यू बजट एक होता है कैपिटल बजट बिल्कुल भी घबराना नहीं है चीजों को लेके ये दिमाग में नहीं बिठाना है टेक्निकल है टेक्निकल है टेक्निकल है टेक्निकल है एनसीआर टी इसलिए तो मैं यहाँ खड़ी हूं ना आपको सेशन आपका सेशन ले रही हूँ ठीक है चलिए सो गवर्नमेंट बजट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज और बायोफिकेटेड इन टू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट अब हम एक एक चीज को तोड़ के पढ़ेंगे। रेवेन्यू बजट व्हेन वी टॉक अबाउट रेवेन्यू बजट के और फर्दर बायोफिकेशन इज रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अब अभी आप ये वर्ड हटा दो रेवेन्यू सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है वॉट इज रिस रिसीट आर मींस इनफ्लो जो हमारे पास आ रहा है एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसिजर इज गोइंग आउट व्हाट एवर इज दउटफ्लो इज द एक्सपेंडिचर व्हाट एवर इज द इनफ्लो इज द रिसीट रिसीट मतलब आना एक्सपेंडिचर मतलब जाना ठीक okay. है अब चलते हैं किस टाइप की रिसीट होती है सो इन दी रेवेन्यू बजट देर इज रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब इसके सब पार्ट्स पढ़ेंगे उतना आगे नहीं जाना जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतनी चीज बनाते जाना आप अपने नोट्स में देर इज कैपिटल बजट ठीक है ना दैट इज अनदर कैपिटल कैपिटल बजट में भी receipts, मतलब कैपिटल इनफ्लोज होते हैं एंड देर आर कैपिटल आउटफ्लोज ऑल्सो इतनी चीज समझ आई रिसेशन इज ये रिसेशन डिप्रेशन की अभी क्यों बात हो रही है एनसीआरटी पढ़ लो फाउंडेशन में करेंगे ना ये चीजें एनसीआरटी पे तो ध्यान दे लो चलो सो दिस इज हाउ द बजट इज बींग कैटेगराइज टू अब हम पहले रेवेन्यू बजट देखेंगे उसके बाद हम कैपिटल बजट देखेंगे चलिए सबसे पहले उन चीजों को समझ लीजिए वॉट वी नीड टू फर्दर अंडरस्टैंड इज वट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लोज रिसीट्स इन्फ्लो इज इक्वल टू रिसीट्स आर रिस ऑफ रिसीट्स सो फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसीट एंड द अदर इज कैपिटल रिसीट इन दोनों को समझने के लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा दैट इज ऑफ एंड लाइबिलिटीज क्या होते हैं क्या होती हैं? आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, दे वुड बी इन अ पोजिशन टू नो वट इज अट एंड लाइबिलिटी अकाउंट्स का पेपर दिया है बैलेंस शीट बनाते थे कोशिश करते थे कि असेट एंड लाइबिलिटी का फिगर एग्जाम में इक्वल आ जाए तो बस वही वाले वहीसेट एंड लाइबिलिटीज की बात करें फॉर ऑल ऑफ हु डू नॉट अंडरस्टैंड एंड लाइबिलिटी इज लाइबिलिटी से शुरुआत करते हैं टेक्निकल नहीं है हर चीज लॉजिकल है बस इस माइंड से पढ़ना है लाइबिलिटी इज वॉट इज समथिंग विच इज योर जिम्मेदारी लाइबिलिटी ठीक है ना लाइबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं जिम्मेदारी है आपने अपने फ्रेंड से पैसे उधार लिए वॉट इज दैट वॉट दैट इज योर लाइबिलिटी वो आपकी जिम्मेदारी है क्यों जिम्मेदारी है? आपको पैसे लुटाना है अनलेस आपका ईमान डगमगा ना गया हो ठीक है आइडली क्या है दैट इज योर लाइबिलिटी दैट इज योर जिम्मेदारी सो एनीथिंग विच इज नॉट योर ओन यू ओ इट टू समवन बैंक से लोन लेके आते हो बैंक से लोन लेते हो वॉट इज दैट दैट इज योर लाइबिलिटी यू हैव टू पे इट ऑफ सो बैलेंस शीट बनती है बैलेंस शीट ऐसे बनती है यहाँ पे होते हैं लायबिलिटीज यहाँ हम अपने लिखते हैं असेट्स सेम वे गवर्नमेंट आल्सो मेक इट्स बैलेंस शीट वेयर दे हैव देयर असेट्स एंड लायबिलिटीज तो हमने लायबिलिटीज समझ लिया लायबिलिटीज को लिख देते हैं हम होती है हमारी भैया जिम्मेदारी है जिम्मेदारी है ठीक है व्हाट आर एसेट्स एसेट्स क्या होता है एसेट्स इज समथिंग विच वन पर्सन मतलब किसी का भी हो सकता सब है सबके पास असेट्स होते हैं पर्सन कंपनी या गवर्नमेंट दैट दे ओन वो ओन करते हैं एंड दे प्रोवाइड देम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर एग्जाम्पल आपने आपने एक शॉप ले ली किसी कमर्शियल एरिया में वो आपका असेट है क्यों क्योंकि फ्यूचर में आप उसको रेंट पे दे सकते हो किराए पे चढ़ा सकते हो एंड दैट विल गिव यू रिटर्न वॉट इज दैट दैट इज योर अट जो आप पढ़ाई कर रहे हो जो आप पढ़ाई कर रहे हो वॉट इज दैट दैट इज योर इनटैज क्योंकि वो आपकी है आप नॉलेज गेन कर रहे हो एंड लेटर ऑन यू विल यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर नॉलेज ऑनली तभी तो आजकल नॉलेज को असेट बोलने लग गए हैं क्योंकि इसी नॉलेज को यूज करके आपको नौकरी मिलेगी सो नॉलेज इज ऑल्सो एन असेट राइट और बताइए और क्या चीजें असेट होती है मान लीजिए कार कार इज एन असेट किस तरीके से कार कार जिम्मेदारी थोड़ी है यू डू नॉट ओ इट टू समन कार इज योर ओन बट हाँ अगर ये कार लेने के लिए मान लीजिए कार लेने के लिए आपने लोन लिया है बैंक से लोन लिया है कार लोन लिया है दिस लोन इज योर लाइबिलिटी बट कार इज योर असेट लोन लेके आपने पैसे उधार लेके असेट क्रिएट किया है तो वो कार तो आपका असेट हो गया वेर एज द लोन इज वॉट इज योर लाइबिलिटी जितने असेट्स होते नो आपके पास कब तक है बट नॉलेज इज वन सच थिंग जो आपके पास आपके एंड तक रहेगी नो बडी कैन टेक यूर नॉलेज फ्रॉम यू दैट इज वेयर वी फैकल्टी से स्पेंड टाइम इन ग्रास्पिंग मोर एंड मोर रीड मोर नॉलेज एक्वायर करिए पेपर क्लियर होता है या नहीं होता है बट नॉलेज तो बढ़नी चाहिए क्योंकि नॉलेज इज समिंग विच नो वन केन टेक फ्रॉम यू चलिए अक्षत बता रहे हैं, कार असेट नहीं है डेप्रीसी अट है अक्षत थोड़ा फाइनेंशियल साइड चले गए हैं कोई बात नहीं हमें इतना फाइनेंशियल साइड नहीं जाना है अक्षत माई डियर कार इज एन अट फॉर यू बिकॉज इट रीप्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर यू उसमें डेप्रिसिएशन होता है वो अलग बात है कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपने जाके पहले शबीर से यस नॉलेज ठीक है और बताइए बताइए और क्या चीज और क्या हैं देखें स्टूडेंट्स के चलिए ओके सो टीचर मेक असेट्स चलिए कोई बात नहीं ये सारी बातें कौन क्या सेट बनाता है टॉक अबाउट लेटर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होते हैं <coughs> चलो सो so,

ठीक है लोन लिया हुआ, जैसे हुआ, मुझे समझ आ गया ये मेरी रिसीट है ये पता अब नेक्स्ट हमें पता लगाना है कि वो रेवेन्यू रिसीट है कि कैपिटल रिसीट है ठीक है सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इनफ्लो ऑफ मनी है या आउटफ्लो ऑफ मनी तो जैसे ही लोन लेते तो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं व्हाट इज दैट दैट इज

कैपिटल रिसीट होगी क्योंकि मैंने क्या बोला था कैपिटल रिसीट कौन सी रिसीट होती है लोन अमाउंट अफेक्टिंग माई बैलेंस शीट येस बिकॉज नाउ इट बिकम लायबिलिटी तो जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगी मैं यहाँ पे लिख दूंगी लोन अमाउंट ठीक है मम्मी ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट दिया पचास हजार रुपए का मम्मा ने आपको गिफ्ट दिया कि ले बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी आराम से ऐश करो पैसे लुटाओ जो मर्जी करो आई डू नॉट केयर मेरी तरफ से पचास हजार रूपए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इनफ्लो है या आउटफ्लो है इनफ्लो ऑफ मनी है इनफ्लो ऑफ मनी है ठीक है जी इनफ्लो ऑफ मनी है मतलब रिसीड्स है कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है बताओ इट इज वॉट इज कैपिटल की रेवेन्यू कौन सा लिखू कैपिटल लिखू रेवेन्यू लिखूं कैपिटल क्यों लिखू क्या ये मेरी असेट या लाइबिलिटी पोजिशन को चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है क्या ये मेरी मतलब अगर ये कैपिटल ये मेरी येट एंड लाइबिलिटी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है मतलब ये कौन सी रिसीट रिसीट हो गई? रिसीट हो गई गई मेरी रेवेन्यू एक एग्जाम्पल और लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं गवर्नमेंट ने जीएसटी लिवाई किया आप डोमिनोज गए आपने बर्गर खाया उसके ऊपर गवर्नमेंट ने लगाया जीएसटी गवर्नमेंट के लिए जीएसटी क्या है इनफ्लो है इनफ्लो हो गया इनफ्लो मतलब रिसीट हो गई अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करना कैपिटल है कि रेवेन्यू इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं वहां आपको स्टेटमेंट दे, दे देंगे यूपीएससी में कि आइडेंटिफाई वेदर इज रेवेन्यू रिसीट और अ कैपिटल रिसीट तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो रिसीट है भी कि नहीं तो टैक्स कलेक्ट कलेक्ट हुआ है मतलब इनफ्लो हो रहा है इनफ्लो हो रहा है मतलब हमारी रिसीट है विच टाइप ऑफ रिसीट इज इट इज इट द कैपिटल रिसीट और इज इट अ रेवेन्यू रिसीट तो टैक्स आने से क्या गवर्नमेंट के लिए उनकी असेट या लाइबिलिटी पोजीशन में कुछ चेंज हो रहा है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही गवर्नमेंट का रेवेन्यू है गवर्नमेंट की इनकम है वो तो कौन सी रिसीट हो गई वो

टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट अभी तक हमने क्या पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसीट दो बाइफर्केशन थे ये. अब revenue receipt के भी होते हैं ठीक है? Tax and -tax. -tax, tax and -tax, मतलब ऐसा इनफ्लो ऑफ मनी विच इज कमिंग बाय कलेक्शन ऑफ टैक्से करने से टैक्सेस जैसे जीएसटी टैक्सेस जैसे एक्साइज पहले होता था सर्विस टैक्स लेकिन अब वो सब्ज्यूम हो गया पहले बहुत तरीके के टैक्सेस लगते थे सारी चीजें अब आ, हो गई हैं किसमें रिज्यूम हो गई है जीएसटी में ठीक है टैक्सेस को अगर थोड़ा और ब्रॉड करे करके पड़े टैक्सेस को अगर थोड़ा और ब्रॉड करके पड़े तो एक पायफ्रिकेशन होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स उस पर जाने से पहले वोट यू नीड टू अंडरस्टैंड टैक्स क्या होता है मैम बहुत सारे स्टूडेंट इनको समझ नहीं आती टैक्स क्या होता है सो टैक्स इज समथिंग इनवॉलेंट्री फीस एक इनवॉलेंट्री फीस होती है जो आप पे कौन लिवाई करता है गवर्नमेंट लिवाई करती है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए किस लिए चाहिए देश चलाने के लिए चाहिए क्यों देश चलाना है क्योंकि वेलफेयर करना है प्राइवेट सेक्टर तो करेगा नहीं सो गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन दी कंट्री टू प्रोवाइड दी सब्सिडी टू प्रोवाइड दी सब्सिडाइज एजुकेशन टू कंस्ट्रक्ट दी रोड्स टू क्रिएट दी डैम्स राइट सो फॉर ऑल ऑफ दैट गवर्नमेंट नीड्स मनी गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा टैक्स लिवाई करने से ठीक so है इंडिविजुअलेश मतलब कौन लगाता है गवर्नमेंट लगाता है क्यों लगाती है टू फाइनेंस दौड़ तोड़ के पढ़ा आया समझ आई चीजें समझ क्या है फीस है कोई सी भी फीस है इनवॉलेंट्री लगानी पड़ेगी भाई किस पे इंडिविजुअल आप जैसे मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा कौन लगाता है गवर्नमेंट क्यों लगाती है पैसा चाहिए गवर्नमेंट को क्यों चाहिए देश चलाना है एज सिंपल एज दैट सो टैक्सेस आर एसेंशियली एक ये चीज लिख लेना नोट्स में स्टार मार्क बना देती हूँ फटाफट से लिख लोगे टैक्सेज आर असेंशियली क्विड प्रो क्यू इन नेचर नाउ वॉट इज दिस क्विड प्रो क्यू मैम पहले ही इकोनॉमिक इतनी टफ थी अब आप ये क्या पढ़ा देते हो पता नहीं क्यों ऐसे वर्ड यूज करते हो सो क्विड प्रो क्यू इज यू विल नॉट गेट समथिंग इट मीन्स अ फेवर इट मीन्स अ फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग कुछ दे रहे हो और दूसरे हाथ ले रहे हो बट सो दीज आर वॉट टैक्सेज आर एसेंशली ऑफ क्विड प्रो क्यू ऑफ नेचर यू गेट समथिंग इन रिटर्न वैल यू आर गिविंग समथिंग फाइन चलिए सो टैक्सेस हमने समझ ली अब टैक्सेस के भी दो प्रकार होते हैं एक होता है डायरेक्ट टैक्स एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स डायरेक्ट टैक्स क्या होता है जो आपके ऊपर लगेगा आपको ही देना है इनकम आपकी है दो लाख रुपए प्रति महीना इनकम आपकी है तो टैक्स भी आप दोगे या बोलोगे पापा यार कमाऊंगा तो मैं लेकिन टैक्स आप भरोगे नहीं भाई सिंस इट इज योर इनकम यू आर अर्निंग इट सो यू आर लाइबल टू पे दी टैक्स ऑन दैट राइट सो so, इंसिडेंस <coughs> मतलब लगेगा भी आप पे प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्स इज योर ओनली वेयर एज इन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है अगर यहां पे ये होता है तो फिर इनडायरेक्ट ये डायरेक्टली आप पे नहीं लगेगा ये डायरेक्टली आप पे नहीं लगेगा बट हो सकता है आपको देना पड़ जाए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज गए चलो अब चेंज कर लेते हैं डोमिनोज नहीं जाएंगे बहुत हो गया डोमिनोज कहा जाएंगे बर्गर किंग चले किंग चले? जाएंगे बर्गर किंग गए ठीक है वहां पे बर्गर लिया बर्गर के साथ लग के आता है आठ परसेंट मान लो जीएसटी ठीक है आपने बर्गर किंग को ऐसे थोड़ी बोलते हो कि सौ रुपए में तुम्हें दूंगा आठ रुपए जाके मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा नहीं यू पे दी एंटायर अमाउंट विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी सो विच मेक्स इट वन जीरो एट आउट ऑफ दैट वन जीरो एट

सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इंसिडेंस इंसिडेंस किसी और पे होता है मतलब लिवाए एक अलग स्टेज पे होता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम्बट इट इस किसी और बंदे की होती है पैसा गया आपकी जेब से

रेड पिक्चर थी ना देखी थी कि नहीं देखी थी नहीं देखी तू देखना आज ठीक है तो क्या लग जाएगा कहीं ना कहीं दे वुड बी चार्जेस ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेज ऑन यू आप क्यों क्योंकि इनकम आपकी है टैक्स भी आप दोगे कोई और नहीं भरेगा सो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस्ट द बर्डन ऑफ विच इज ऑन यू ओनली एंड यू हैव टू समिट इड और फाइल द रिटर्न टू द गवर्नमेंट वेयर एज इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इट इज नॉट यू बर्डन किसी और पे होता है लेकिन उसको फाइल कोई और कराता है चलिए बताइए अब कोई डाउट है क्या इसमें इज इट रॉन्ग नो आदित्य गिविंग लोन्स टू द रिलेटिव विदाउट लीगल डॉक इट इज नॉट रॉन्ग इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गिफ्ट बाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नो इट इज नॉट Uh, अक्षत ये तो क्या बात पूछी मैं तो अब क्या बोलूँ मैं कौन से टैक्स लैब में आती हूँ उसमें तो दैट इज़ नॉट दिस नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस और बताइए कोई डाउट है तो अक्षत के डाउट्स मैंने देखा है वैसे ऑल टुगेदर आउट ऑफ दी वर्ल्ड होते हैं कभी भी वो क्लास से रिलेटेड डाउट्स नहीं पूछेगा बिल्कुल अलग बिल्कुल जो हम पढ़ रहे हैं हम अगर पढ़ रहे ब्रह्मपुत्र के बारे में तो वो पूछेंगे अरेबियन सी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ऑल टुगेदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डाउट लेके आएंगे अरे यार कभी तो मतलब यार कभी अक्षत कभी लेट्स गेट सीरियस लेट्स ग्रो ठीक है ना ग्रो अप करो भाई थोड़ा सा चलो अक्षत देखो अक्षत आप किसकी बातें कर रहे हैं बीच में टिक्की गोलगप्पे देसी स्नैक्स बताइए कहाँ से आ गए बीच में अच्छा वो बर्गर किंग की जगह खाना था क्या आपने अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं चलो so, सो हमने टैक्सेस के टाइप पढ़ ले हम टैक्सेस के टाइप्स क्यों पढ़ रहे थे क्योंकि हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स तो उसमें टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स में एक होती है टैक्स रिसीट्स एक होती है टैक्स रिसीट्स दूसरी होती है नॉन टैक्स रिसीट्स नॉन टैक्स रिसीट्स जैसे हमने किसी को लोन दिया हमने किसी को लोन दिया हम कौन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने लोन दिया किसको दिया मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न में उनको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा ना गवर्नमेंट फ्री में लोन थोड़ी देगी गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं देर आर सो मेनी पी एस यू पब्लिक सेक्टर क्या मिलेगा डिविडेंड ये सब क्या है इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम पता चल गया इनफ्लो हो रहा है अब हमें पता लगाना है कि भैया कैपिटल है या रेवेन्यू है क्योंकि दे आर नॉट चेंजिंग दी लाइबिलिटी पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट मतलब रेवेन्यू है रेवेन्यू में कौन सी है टैक्स वाली है नॉन टैक्स वाली एज सिंपल एज दैट नॉन टैक्स वाली है डिविडेंट को टैक्स थोड़ी होता है

खर्चे किस किस प्रकार के होते हैं तो खर्चे होते हैं अगेन दो प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप मैं एकदम आसान सरल भाषा में कहूं रोजमर्रा के खर्चे रोजमर्रा के खर्चे हिंदी लिखनी नहीं आती मुझे हम सो सॉरी वो इतना टाइम टाइम लग जाएगा मुझे मात्रा डिसाइड करने में विल टॉक अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हमने कैपिटल रिसीट्स की बात करी थी तो कैपिटल रिसीट्स क्या थी रिसीट्स वर दो पोजीशन ऑफ व्हाट बैलेंस शीट सेट इन लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा विच ऑल्टर दी वॉट असेट लाइबिलिटी पोजिशन ऑफ दी गवर्नमेंट एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट ने खर्चा किया डैम बनाने पे, गवर्नमेंट ने खर्चा किया डैम बनाने में चलो डैम नहीं समझ आता तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया डिफेंस इक्विपमेंट एक्वायर करने में डिफेंस इक्विपमेंट किस तरीके से करे? जैसे गवर्नमेंट ने बाहर से अभी रफेल मंगाए थे ठीक है ना फाइटर जेट्स मंगाए थे फ्रांस से पता है कि नहीं पता है पता है ना पता होना चाहिए ठीक है तो गवर्नमेंट के वो क्या क्रिएट हो गए एसा expenditure, एसा expenditure खर्चा जैसे किया, ने खर्चा किस पे किया था फाइटर <coughs> जेट्स मंगवाने पे जैसे ही फाइटर जेट्स आए गवर्नमेंट के क्या क्रिएट हो गए असेट्स. तो गवर्नमेंट जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो यहां लिखेगी ना फाइटर जेट्स के नहीं लिखेगी

सो बुलेट ट्रेन आने वाली है तो बुलेट ट्रेन जब ले हो जाएगी तो गवर्नमेंट का क्या क्रिएट हो जाएगा अट सो एनी सच खर्चा ऑफ गवर्नमेंट विच गवर्नमेंट क्या लिखेगी जब अपनी बैलेंस uh, शीट बनाएगी बुलेट ट्रेन सो एनी सच एक्सपेंडिचर विच क्रिएट्स अट फॉर द गवर्नमेंट इज वॉट एक्सपेंडिचर अदर देन दैट अदर देन दैट इफ देर इज एनी एक्सपेंडिचर दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रोज के खर्चे सैलरी देनी है एम्प्लॉइज को सब्सिडी देनी है प्रिंटर खरीदना है वॉट इज दैट दैट इज ऑल दी रेवेन्यू एक्सपेंड डीचर बिकॉज दैट इज नॉट क्रिएटिंग एनी असेट फॉर दी गवर्नमेंट एनी सच एक्सपेंडिचर विच क्रिएट बार बार एक लाइन को क्यू बोल रही हूं क्योंकि इतना इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन फिर भी प्रिल्म में गलत करके आते हो आप फिर भी गलत करके आते हो वेरी गुड मयंक वेरी गुड दर्शन की एम मुंबई टू अहमदाबाद यस सो एनी सच एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एनी असेट इज वॉट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एग्जाम्पल सैलरी चलो एक 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 एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने लोन लिया चलो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं अब कंफ्यूज करने के बाद अच्छे से दिमाग लगा के बताना मुझे गवर्नमेंट ने लोन लिया था गवर्नमेंट ने लोन लिया था ठीक है गवर्नमेंट जब लोन लेगी तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्री में नहीं मिलेगा राइट right? गवर्नमेंट ने लोन लिया दिस इज इनफ्लो इनफ्लो ऑफ इनकम है ये ठीक है इनफ्लो है मतलब पता चल गया रिसीट है कौन सी रिसीट है कैपिटल है कि रेवेन्यू है इट इज कैपिटल वाई बिकॉज जैसी लोन लिया मतलब दैट्स अ लाइबिलिटी एनीथिंग विच ऑल्टर दिलिटी पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट इज कैपिटल रिसीट तो मतलब ये पता चल गया कैपिटल रिसीट है ना ऑन दिस लोन द गवर्नमेंट हैज टू गिव इंटरेस्ट वॉट इज इंटरेस्ट आउटफ्लो ऑफ मनी इंटरेस्ट देना पड़ता है मतलब हमारे से पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो है आउटफ्लो पता चल गया ये मेरा एक्सपेंडिचर है अब आप लोग मुझे बताओगे विच एक्सपेंडिचर इज इट इज इट कैपिटल एक्सपेंडिचर और इज इट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ईगरली वेटिंग फॉर एवरी वन ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड प्राशु मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपको एंड में दूंगी जहां पे मैं अपने पीडीएफ शेयर करूंगी राइट नाउ वॉट यू हैव टू टेल मी इज जो ये इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वेदर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फटाफट से रिप्लाई करो अक्षत से कैपिटल वेरी गुड अक्षत वेरी गुड पहला आंसर दिया वो भी गलत दिया सबसे ज्यादा डाउट पूछते हो उसके बाद भी अगर आप कैपिटल लिख रहे हो ना तो मतलब एकदम पिटाई हो जानी चाहिए आपकी चलिए बताइए बताइए कैपिटल क्यों होगी क्या बताया था मैंने क्या ये एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट इनकम बाहर जा रही है मतलब सबसे पहले हमने डिफाइन किया एक्सपेंडिचर है आउटफ्लो है एक्सपेंडिचर है कैपिटल है रिसीट क्यो? है क्यों कैपिटल क्यों होगी इंटरेस्ट देने से कौन सा सेट क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट का बताओ क्या बताया था मैंने अभी क्या बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर इज वन सच एक्सपेंडिचर विच ऑल्टर्स दी असेट पोजीशन क्या इंटरेस्ट देने से मेरी असेट क्रिएट हो रही है क्या बताओ कहां हो रही है यस yes, मनहरन कैपिटल कैपिटल सब कैपिटल लिखे जा रहे हैं बस यहीं पे तो ट्विस्ट बस इतना सही क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी और कोई क्वेश्चन नहीं यही कंफ्यूज करती कि लोन लिया था व्हाट इज लोन दैट्स दैट्स अ रिसीट रिसीट कैपिटल रिसीट उस पे जो इंटरेस्ट दे रही है इंटरेस्ट दे रही है आउटफ्लो है यहां तक तो पहुंच जाओगे आप सब मुझे पता है आउटफ्लो में मतलब एक्सपेंडिचर तक तो पहुंच जाओगे कंफ्यूज पता है कहाँ होगे गए यहाँ हो बस यहाँ पे जिसने ये दिमाग लगा लिया कि इंटरेस्ट पेमेंट ज नॉट ऑल्टरिंग माई असेट पोजिशन कहा असेट क्रिएट हो रहा है सो दिस इज वॉट इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद रखना ये चीजें दैट इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन बस इतना ही लेवल है यूपीएससी क्वेश्चन का इतनी छोटी सी बात पे कंफ्यूज कंफ्यूज Confuse भी कहां कर रही हो तो हम सब क्वेश्चन पूछ रही है कंफ्यूज तो आप क्यों क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा दिमाग नहीं लगा रहे हो आप लोग ठीक है चलिए रेवेन्यू बिकॉज इट्स क्रिएट लाइबिलिटी आए हाय प्रीति क्या बोल रहे हो प्रीति इट इज Revenue because it's create liability. No, <coughs> Bilkul, altogether, आपने दो तीन कर mix कर दिए दिए ठीक 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 है है थीक, थीक है अक्षर समझ गई ओके आपने रेवेन्यू बोला था I got it. कि आपने दैट इज आई मिस अंडरस्टूड इट बट नाउ आई गॉट इट चलिए सो हमने <coughs> क्या देख रहे थे क्लियर हो गया गड़बड़ नहीं हो गया चलो ठीक है What I'll do is, आज

बैलेंस मतलब दोनों साइड इक्वल है तराजू की मतलब एक्सपेंडिचर एंड इनफ्लो बोथ आर इक्वल इज व्हाट इज बैलेंस्ड बजट ठीक है इजी चीज है सिंपल है बैलेंस है मैम दोनों में सरप्लस जब मैं कमा ज्यादा रही हूं मैं कौन गवर्नमेंट भाई गवर्नमेंट व्हेन द रेवेन्यू इज मोर देन दर्चा देन दी एक्सपेंडिचर इट इज द सरप्लस बजट नई निश्चिका ऐसा नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल भी आई ऐसा नहीं है फॉर मी एवरी स्टूडेंट इज इक्वल इज एट पार आप पूछो डाउट आई विल बी मोर देन हैपी टू सॉल्व यहाँ नहीं सॉल्व कर रही टेलीग्राम पे मैसेज करो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज चलो सरप्लस क्या इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है डेफिसिट डेफिसिट मतलब हम तो कर्जे में है एक्सपेंडिचर ज्यादा है खर्चा ज्यादा कर दे रहे उतनी रेवेन्यू नहीं है पॉकेट मनी दस हजार है खर्चा हमने कर दिया पंद्रह हजार का तो जो पांच हजार थे समझ लेंगे एक कॉन्सेप्ट यहीं समझ लेंगे तो पॉकेट मनी थी दस हजार की खर्चा कर दिया मैंने पंद्रह हजार पांच हजार क्या हो गए कर्जे में चले गए कैसे चले गए मान लो आप शॉपिंग करने गए दस हजार रूपये थे वहाँ पे बिल बन गया पंद्रह हजार का बिलिंग काउंटर पे खड़े हो स्वाइप कर दिया अब कार्ड में आया कि यू जस्ट हैव टेन थाउजेंड इन सफिशियंट फंड है फटाफट फ्रेंड को फोन करोगे कि यार पांच हज़ार रुपए पेटीएम करना व्हाट इज पांच हजार रुपए पांच हजार रुपए इज वॉट यू आर टेकिंग बोरोइंग यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम योर फ्रेंड दैट इज़ वॉट गवर्नमेंट डज जब डेफिसिट

रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट तो जब रेवेन्यू रिसीड्स कम पड़ जाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कौन सा डेफिसिट आता है रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू के अकाउंट पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है रेवेन्यू रिसीड्स कम है सो दैट वॉट विल अराइज इज द रेवेन्यू डेफिसिट ठीक है चलो दूसरा डेफिसिट पढ़ते हैं <coughs> दूसरा डेफिसिट पढ़ते हैं विच इज फिजिकल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट में इट वुड बी ओवरऑल खर्चा मतलब हमारे दो टाइप के खर्चे थे और दो टाइप की इनकम थी रेवेन्यू इनकम थी कैपिटल इनकम थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था कैपिटल एक्सपेंडिचर था सो फिस्कल डेफिसिट इज टोटल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स इज वॉट इज योर फिस्कल डेफिसिट माइनस बोरोइंग्स

पांच हजार आपने फ्रेंड से लिए थे उस टाइम सोचना की पांच हजार क्या है मेरे लिए ये इनफ्लो है फाइव थाउजेंड इज इनफ्लो फॉर मी तो इनफ्लो हुआ तो मतलब वो रिसीट्स में फिर से प्लस हो जाएगा जैसे ही प्लस हो जाएगा तो मेरा दोनों साइड एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा तो मतलब डेफिसिट है ही नहीं है सो इन ऑर्डर टू गोज दोजीशन ऑफ डेफिसिट वी रिजॉर्ट टू रिजॉर्ट टू रिड्यूसिंग और रिडक्शन ऑफ बोरइंग्स फ्रॉम आर फिजिकल डेफिजिट अब हमने बोरोइंग्स करी चलो इसको समझते हैं <coughs> हमने borrowings करी थी किस लिए करी थी क्योंकि हम कर, हमारे पास पैसा नहीं था देश चलाने के लिए खर्चे ज्यादा हो गए रेवेन्यू कम कम था अब विल नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट विल नॉट कम फ्री ऑफ कॉस्ट बोरिंग्स पे क्या देना पड़ेगा हमको देना पड़ेगा इंटरेस्ट बोरिंग्स पे देना पड़ेगा इंटरेस्ट इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं प्राइमरी डेफिसिट सो प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअली टेल्स यू कि आपके फिजिकल डेफिसिट में से आपके फिजिकल डेफिसिट डेफिसिट जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था उसमें से जब हम उसमें से जब हम इंटरेस्ट इनकम सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को निकाल देते हैं फिजिकल <coughs> सॉरी प्राइमरी डेफिसिट इज व्हाट, जो फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट किया था उसमें से जब हम इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को निकाल लेते हैं दैट इज व्हाट शोज पिक्चर टू दी गवर्नमेंट कि भाई कितना खर्चा हुआ है एग्जैक्टली exactly एक साल में दैट इज व्हाट इज शोन बाय द प्राइमरी डेफिसिट द एजेंडा इज कि जब हम बोरोइंगस को हटा रहे हैं जब हम यहाँ बोरिंग्स को हटा रहे थे तो बोरिंग्स पे जो इंटरेस्ट जा रहा है उसको भी हटाना है दैट इज वॉट विल शो एग्जैक्ट पिक्चर सो कंफ्यूज नहीं होना है रेवेन्यू डेफिसिट समझ आ गई रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट उसमें प्लस माइनस करके बता दो कि क्या है उसके बाद फिजकल फिजिकल टॉक्स अबाउट दी ओवरऑल पोजीशन कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है टोटल रेवेन्यू कितना है उसमें से बोरिंग्स हटानी है ठीक है एंड प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी हटा रहे हैं इंटरेस्ट दैट वी है अक्षत इंडिया का सरप्लस कब आएगा मैं भी वेट कर रही हूँ बेटा मैं भी देखूंगी न्यूज पेपर की कब आएगा आप और मैं डेफिनेटली उस दिन बात करेंगे और बताइए आदित्य है

और दे 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 डू इज़ प्रिंट न्यू करेंसी, बोरो दे हैव टू ऑप्शन में पढ़ लेते हैं टू ऑप्शन इंटरनली मतलब देश के अंदर से इंटरनल बॉन्ड इशू कर देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीसेक्स ठीक है दूसरा होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल लोन मतलब बाहर जाके हो सकता है किसी देश कंट्री से पूछे या किसी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से बोले हो कि हमें लोन दे दो पांच हजार रुपए का भाई पांच हजार तो यहाँ बात कर रहे हैं <coughs> गवर्नमेंट तो करोड़ में लोन लेती है बट पांच हजार हम छोटा फिगर क्यों रखा था फॉर योर इजियर अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो गवर्नमेंट क्या बात कर रहे थे गवर्नमेंट का पांच हजार जो एक्स्ट्रा पड़ रहा है हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज द मनी बोरोइंग के भी दो सोर्स तो दैट जैसे ही करेंगे न्यू करेंसी प्रिंट तो देश में पैसा आ जाएगा जो पांच हजार रुपए के नोट प्रिंट कर लेगी और गवर्नमेंट बोलेगी हो गया अपना तो बैलेंस हो गया बजट एक्सपेंडिचर इकोल टू तो रेवेन्यू बट आपको मैम तो बहुत आसान है गवर्नमेंट हर साल ऐसे क्यूँ नहीं करती है Why does not ups? Actually, हम जो बात कर रहे हैं ये में नहीं है हम थोड़ा और डीप डाइव कर रहे हैं विच वी शुड नॉट इसके लिए यू हैव टू जो दी फाउंडेशन प्रोग्राम वहां सारी बातें करेंगे बट स्टिल छोटा सा समझा देती स्टिलती न्यू करेंसी प्रिंट करेंगे तो आप कहोगे मैम हर साल ही कर लेते हैं ना क्यों मतलब बोरो क्यों करना पड़ रहा है गवर्नमेंट कर लेना प्रिंट जाके अपने आप हाँ. जब आप कह रहे हो कि वो प्रिंट कर सकती है गवर्नमेंट के नॉट प्रिंट आफ्टर एन एक्सटेंड बिकॉज न्यू करेंसी मतलब न्यू करेंसी मतलब मोर मनी इन कल पढ़ा था मोर मनी इन दी लीड टू व्हाट इट विल लीड टू इन्फ्लेशन सो आफ्टर एन एक्सटेंट सो देयर इज अ पॉसिबल एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट कैन मिंट न्यू मनी और प्रिंट न्यू करेंसी बिकॉज मोर करेंसी और प्रिंटिंग मोर करेंसी वुड लीड टू व्हाट वुड लीड टू इन्फ्लेशन राइट सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड चीजें समझोगे अपने आप डॉट्स कनेक्ट होने लग जाएंगे कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सेक्टर वहां पे इस चीज को कनेक्ट करेंगे किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हमारी करेंसी की वैल्यू कैसे अप्रिशिएट कर जाती है कैसे डेप्रिशिएट कर जाती है सो ऑल ऑफ दिस वील टॉक अबाउट इन टोज क्लास आज की क्लास यही हो गई काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था स्टूडेंट्स क्लास खत्म होने के इमीजिएटली बाद इमीजिएटली बाद एनसीईआरटी पढ़ लिया करो वहां पे चीजें अंडरलाइन या मार्क कर लिया करो सो so दैट आपको एक, एक आपकी टेंशन रिलीफ हो जाएगी इससे स्ट्रेस विल गेट रिलीज कैसे बिकॉज

ठीक है वो करके आप देखना आप में कॉन्फिडेंस कितना आएगा जब कल न्यूज पढ़ोगे या कि आप वीडियोस देखते हो हो सकता है तो जब आप उनको करोगे तो आप बेटर रिलेट करने पड़ जाओगे दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू सो फॉर मोर सच टिप्स आई मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे एंड डेफिनेटली आज मुझसे अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि व्हाट इज योर टेलीग्राम आईडी सो इट इज इकोनॉमिक्स विद नान की इफ योर एड्रेस स्टिल रिमेंस अन एट द रेट नान की बवेजा पे भी मुझे टेलीग्राम पे आप टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोथ से मैसेज करिएगा अपने नोट्स आज ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू